दाल सरोवर गुजरात का सबसे लार्जेस्ट बर्ड सेंचुअरी है, जो कि कुछ 120 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ये अहमदाबाद से 64 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे पर पर्सन एंट्री टिकट है वो 50 रुपीज है, और अगर आप अपनी कार लेके आए देन यू हैव टू पे 500 रुपीज पर कार अप टू 6 पीपल। इसमें आप कार लेके मेन गेट से अंदर लेक तक जा सकते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर, और वहाँ पे पार्किंग में आप कार पार्क कर सकते हैं और बोटिंग की टिकट भी आपको वहीं से मिल जाएगी। तो यहाँ पे 1500 रुपए जो गवर्नमेंट की प्राइस है उसमें आपको एक टापू दिखाएंगे और फिर वापस आधे घंटे एक घंटे मिल जाएंगे। बट अगर आपको 3 टापू 6 टापू ऐसा अलग अलग पैकेजेस है वो घूमना है तो यहाँ पे आके आप बार्गेन कर सकते हो। आई थिंक कुछ 4500 रुपए 3 टापू के, कुछ 7000 है 6 टापू के, उसमें आपको अलग अलग जो बर्ड्स है वो भी देखने को मिलेंगे, अंदर तक लेके जाएंगे, तो यहाँ पे आके आप बार्गेन करके ले सकते हो। गवर्नमेंट वाले में ऐसा कुछ है नहीं। गोदावरी घास है, इसमें क्या है बर्ड का नेस्टिंग भी करता होता है, अपना घोंसला बनाता है, वो भी दिखाऊंगा मैं आगे तुमको आगे। ऐसा क्या है, ये सब जगह अलग अलग रहती है ना, एक जगह पर सब मिलेगा नहीं। नल सरोवर को विजिट करने का टाइम नवंबर टू फरवरी में विंटर में है, और ये मॉर्निंग 6 AM से लेकर शाम को 6 PM तक ओपन रहता है। आना है तो सुबह 6 बजे खुल जाता है, तो 5:30-6 बजे आ सकते हो। बहुत ही ज़्यादा बर्ड्स आपको देखने के मिलेंगे। अभी क्या है कि इतनी सारी बोट्स है वो रेगुलर ऐसे अंदर जा जाके उनको देख रही है, तो सारे उड़ जाते हैं, और शाम के टाइम तो आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर कि नवंबर दिसंबर में आप आओ और सुबह 6-7 बजे तक आओ। शंख भी है उधर पड़ा हुआ, और ये घोंसला बनाया हुआ है जो अभी, मतलब ऐसे हम लोग पूरा अंदर खेत में आए और यहाँ पे घोंसला बनाया खेत में। यहाँ पे आपको पीक सीजन में 200 से ज्यादा स्पीसीज के बर्ड देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्लैक बक्स, रोजी पेलिकन्स, फ्लेमिंगोस, व्हाइट स्टॉक्स एंड हेरॉन्स। अरे मम्मी उतर जाओ नीचे, यही तो है पास में, ये लो इतना ही तो है, इतना ही है। और इतना ही है। और मम्मी पानी पे तैरती हुई यही है बस इतना सा। मैं तो बहुत सारी धूप है और यहाँ पे क्या है इसमें GoPro में जूम नहीं हो रहा है, सो मैंने जूम कर करके अपने फ़ोन से फ़ोटोज़ लिए, तो फोटोज़ आपको दिखाऊंगा और इसमें मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिए, और वो इतने दूर दूर तक है, एज यू कैन सी वहाँ पीछे है, तो वहाँ तक हम जा भी नहीं सकते बोट लेके, और कैमरे में जूम भी नहीं होता, इसीलिए मैंने फ़ोटोज़ खींच दिए जूम से जितना हो सके और इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिए। बहुत ही अमेजिंग है, एज आई मेंशन अर्लियर कि आप सुबह आओगे आपको इससे 10 गुना और ज़्यादा बर्ड्स यहीं प्लेस पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप एज यू कैन सी मम्मी अभी नीचे उतरी थी, तो आप नीचे उतर के फोटोग्राफी कर सकते हो, बगुले भी पकड़ सकते हो। मम्मी बगुले पकड़े, बहुत अच्छा लगा नीचे उतरने में। आप भी चलो ना, जींस ऊपर के अंदर ले जाओ, अभी उतरोगे तो अभी चलो चलो उतरो उतरो अंदर आ गए ना, चलो कीचड़ नहीं है, कीचड़ नहीं है, मिट्टी है नीचे, देख कितना नीचे है। और अभी हम लोग थोड़ी फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर द फोटोज। अरे गई बोट, गई बर्ड्स देखने के अलावा आप यहाँ के वेरियस आइलैंड्स पर रुक के फोटोग्राफी भी कर सकते हैं और फूड भी एंजॉय कर सकते हैं, जो कि हमने भी किया था, जो आप आगे वीडियो में देखेंगे।
अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर झील मेरी कश्मीरी घास में। ये जो आप मेरे पीछे बड़ी बड़ी घास देख रहे हो, वहाँ जो बीच में रास्ता है वहाँ पे जाएंगे फोटोग्राफी करने के लिए। यहाँ कुछ रास्ते ऐसे भी है जहाँ पे आपको दोनों तरफ बड़ी बड़ी घास देखने को मिलेगी, जिसे कश्मीरी घास के नाम से जाना जाता है। ट्रस्ट मी, ये रास्ते बहुत ही अमेजिंग है और इसमें बोटिंग करने का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। जब अंदर आओगे तो आपको पता चलेगा ये पानी जो यहाँ पे है ना बहुत क्लीन है। मतलब आई डोंट नो अभी आपको दिख रहा है नहीं, बट यहाँ नीचे तक आपको ना दिखता है, मतलब इतना डीप भी नहीं है, बट एज यू कैन सी पूरी तरफ घास है और बीच बीच में हम लोग जा रहे हैं। बीच बीच में छोटे छोटे आइलैंड है जहाँ पे आप रुक के फोटोग्राफी वीडियोग्राफी या कुछ भी कर सकते हैं, बट बहुत मस्त है। करन देखो मम्मी मछलियां ढूंढ रही थी ना, छोटी मछली उधर मछली इनको खाते हैं, इनको खाते हैं, निकाल निकाल के छोटी छोटी मछली टूट भी जाएगी तो चलेगा। चलो चलो अब फोटो खींचो। अरे वाह, ये बहुत अच्छा मनोरंजन का साधन है। रुको रुको एक मिनट, ठीक कर से सब लगे हुए ठीक करने, बताओ। चलो कभी कभी लेकिन रानी लग रही है। कौन सा कबीला? बरनावा। नहीं नहीं, आप पापा कबीले के मालिक बनते हुए ट्रांसफर कर दिया है पापा को। पापा आप तो लग भी रहे हो कबीले से आए हो आप। पैंट आपने चढ़ा रखी है। अरे वो बड़े वाले शूज पहन के आते ना आप, डिस्कवरी साया से लगते। आई वुड सजेस्ट कि आप 6 टापू वाला पैकेज सिलेक्ट करें ताकि आपको बोट में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने को मिले। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, बट आई थिंक इट इज वर्थ इट। यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स है जहाँ पे आप अच्छी फोटोज क्लिक कर सकते हो और आपका जो गाइड है वही आपको ये सारे प्लेसेस पे लेके जाएगा फॉर दैट। फॉर्चुनेटली अवर गाइड वॉज रियली गुड, वो हमें काफी सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स और प्लेसेस पे लेके गया जहाँ पे हम बहुत अच्छे वीडियोस और फोटोज क्लिक कर पाए। ये जो आइलैंड है वहाँ पे आपको खाना मिलेगा, छोटा सा आइलैंड है और प्योर गुजराती आपको मिलेगा। बाजरे की रोटी है, 3 सब्जी है, सेव टमाटर और आलू के कौन सा मिलता है? और अच्छा लहसुन या बटाटा मिलता है आपको, ओला मिलता है, रिंगन का जो होता है वो पता नहीं हिंदी में क्या बोले, हिंदी में क्या बोलते भाई, बैंगन का भरता है वो मिलता है आपको, सेव टमाटर की सब्जी और बाजरे की 2 रोटी, 200 रुपये शायद, मैं जो भी होगा प्राइस आपको, जो भी प्राइस होगा मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। बट दिस इज़ हाउ द आइलैंड लुक्स। शेड भी है यहाँ पे, मतलब आप अगर हमारी तरह धूप में आ रहे हो तो शेड में बैठ के भी आप खा सकते हो। हमने खाना खा लिया है, 200 रुपये पर प्लेट थी, उसमें आपको 3 सब्जी मिलती है और 2 रोटी मिलती है बाजरे की। ये घी क्या और है? घी और जो गुड़ होते हैं वो अलग से होते हैं, छाछ के अलग से है, तो आप प्लीज़ कृपया ध्यान रखिए कैसा लगा खाना। और घर से खाना खा कर आइए, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो घर का भी खा। हाँ जैसे मम्मी को अच्छा नहीं लगा, मम्मी का हर टाइम बोला है, हर टाइम का इनको ना कहीं जाती चुगली करती थी, इस दिन बाद फिर 2 दिन बाद बोलेगी वो खाना बहुत अच्छा था, बाजरे की रोटी थोड़ी कच्ची थी। और ठीक है हो गया, ठीक है मम्मी को आप अनफॉलो कर सकते हैं सब जगह से।
करो ना एक बार ऊपर ऊपर करना भैया। वो देखो मछली फंसी हुई है। कितनी फंसी हुई है देखो, उसका सिर फंस गया है। सिर पर सारा कुछ बेचारों का है ना। पकड़ कर ये जो हुक आता है ना उसमें डालेंगे, दो छोटी को बड़ी खाने है। ये हुक वाली होती है ना उसमें ये छोटी को फंसा के बड़ी फिर बड़ी बड़ी को पकड़ेंगे। अरे बीच में आपको जो पत्थर जैसा दिख रहा है वो है नल राजा की समाधि, जिसके ऊपर से ये नल सरोवर नाम पड़ा है। बोटिंग से नीचे उतरते ही सामने की साइड एक गार्डन है और वहाँ पे कुछ जो बर्ड्स यहाँ पे आते हैं उनके फ़ोटोज़ लगाए। तो अगर आप गार्डन में जाना चाहते हो तो जा सकते हो। हम लास्ट टाइम गए थे इसलिए इस बार नहीं जा रहे, तो इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बट आप जाना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट है, चेकआउट कर सकते हो। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए अपनी कार के पास, सामान रख रहे और फाइनली ये जो बोटिंग का जो नल सरोवर का जो ट्रिप है वो ख़त्म होने आ रहा है। हमने 6 जो प्लेसेस है उसका लिया था बोटिंग में, 3 वाला नहीं लिया था। आप 3 वाला भी ले सकते हो। और मैंने जैसे आपको बताया कि मॉर्निंग में आओ, नवंबर दिसंबर जनवरी में आओ, ताकि आपको बहुत ज़्यादा बर्ड्स देखने को मिले। हमें बर्ड से ज़्यादा भैंस और धूप देखने को मिली, इसलिए बहुत सारी भैंस सुबह ही आना। मौसम अच्छा रहेगा, इतनी धूप भी नहीं रहेगी। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए देन प्लीज हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाए हो उसके आपको सबसे पहले अपडेट मिले। एंड विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।